नौगावां सादात में भाजपा प्रत्याशी का हुआ विरोध, लोगों ने प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल का फूका पुतला। अमरोहा के नौगावां सादात तहसील में भारतीय जनता पार्टी द्वारा देवेंद्र नागपाल को प्रत्याशी बनाए जाने पर उनका विरोध भी शुरू हो गया है। वहां के लोगों ने संगीता चेतन चौहान का टिकट कटने और देवेंद्र नागपाल का टिकट पार्टी द्वारा घोषित करने पर उनका पुतला फूंक कर विरोध दर्ज कराया। पूर्व क्रिकेटर विधायक स्वर्गीय चेतन चौहान के बाद उनकी पत्नी बनी थी विधायक। साल 2012 से अस्तित्व में आई नौगांव सादात तहसील से 2017 में पूर्व क्रिकेटर स्वर्गीय चेतन चौहान ने सपा प्रत्याशी मौलाना जावेद आब्दी को हराकर जीत दर्ज की थी। उनके कोरोना से देहांत के बाद उपचुनाव में उनकी पत्नी संगीता चौहान यहां से विधायक चुनी गई। अब उनका टिकट काटकर पार्टी हाईकमान ने देवेंद्र नागपाल को प्रत्याशी घोषित किया है। जो हमारे नौगावां सादात का पूरा क्षत्रिय समाज है, जो ये माननीय देवेंद्र नागपाल जी का बीजेपी ने जो टिकट किया है, इसका पूर्ण विरोध करता है और यहाँ पे पूरी चौहानों की बेल्ट मानी जाती है जो नौगावां सादात है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज।